नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी अरिमझिम। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में वैसे तो आपको पता होगा कि कई सारे कलाकार हैं जो फिल्में करते हैं। खेसारी लाल यादव हो, पवन सिंह हो, रवि किशन हो या फिर निरहुआ हो, और भी तमाम कलाकार हों, और आए दिन उनको देखते होंगे कि 15 दिन में, 1 महीने में जो है उनकी फिल्म कम्प्लीट हो जाती है और फिल्म की शूटिंग भी हो जाती है और कुछ महीने बाद टीजर ट्रेलर और फिल्म की लॉन्चिंग भी हो जाती है। इस कड़ी में जो बिहार से ही आते हैं और बिहार के गोपालगंज जिला से आते हैं, जिनका नाम पंकज त्रिपाठी है, पंकज त्रिपाठी ने भोजपुरिया सुपरस्टारों को तमाचा मार दिया है। इशारों ही इशारों में, बातों ही बातों में जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है उसको लेकर अलग चर्चा होने लगी है। दरअसल बात करें तो पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड के एक मशहूर अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं और किस तरीके से बॉलीवुड में अपना एक्टिंग का झंडा गाड़ा है बखूबी इसके बारे में जानते होंगे, और जो लोग इस फील्ड में हैं या फिर जो लोग भी फिल्मों में दिलचस्पी रखते हैं वो इसके बारे में जानते होंगे। तो वो अपने एक फिल्म मैं हूं अटल का लगातार प्रमोशन कर रहे हैं और इस दौरान एक अनकट यूट्यूब चैनल है वहां पर जो है वो एक इंटरव्यू दे रहे थे, और इंटरव्यू में जब पूछा गया कि आप भी बिहार से आते हैं, क्या आप भोजपुरी फिल्म करेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ जरूर जरूर मैं भोजपुरी फिल्म करूंगा और मैं भोजपुरी फिल्म करना चाहता हूं क्योंकि वो हमारी भाषा है और भोजपुरी भाषा को लेकर हम जरूर फिल्म करना चाहते हैं। तो एंकर ने कहा कि क्या आप भी उन्हीं कलाकारों जैसा फिल्म बनाएंगे जो 15 दिन में खत्म कर देते हैं। तो पंकज त्रिपाठी ने जो बात कही वो शायद भोजपुरी सुपरस्टारों को भी सोचना चाहिए, भोजपुरी के जो एक्टर डायरेक्टर और तमाम लोग हैं उनको भी सीखना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि हमारी वो फिल्म नहीं होगी जो 15 दिन में खत्म हो जाएगी, जी हाँ, हमारी एक ऐसी फिल्म होगी जो बॉलीवुड लेवल की होगी और वो फिल्म जब बनेगी तो लोगों के लिए एक अच्छी जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्शन देगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी फिल्म जो है वो बेहतर स्क्रिप्ट होगी, हम स्क्रिप्ट को चूज करेंगे, टेक्निकली उस फिल्म को इतना मजबूत बनाया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरीके से बात कही है वो कहीं ना कहीं भोजपुरी सुपरस्टार को निशाना है कि भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, 30 दिन में फिल्मों को ख़त्म कर देते हैं और आपको पता ही है फिर वैसे ही होता है जैसा आए दिन होता रहता है। भोजपुरी फिल्मों को लेकर लगातार आए दिन बड़े लेवल पर चर्चाएं नहीं हो पाती है जैसे साउथ इंडियन की चर्चा होती है। तो पंकज त्रिपाठी ने इस तरीके की बातें कही, अब देखना दिलचस्प होगा कि भाई पंकज त्रिपाठी जब भोजपुरी फिल्मों में काम करते हैं तो किस तरीके की फिल्म बनाते हैं, लोगों की नजर आएगी और लोग चाहते भी हैं कि भाई पंकज त्रिपाठी जैसे दिग्गज भोजपुरी फिल्मों में काम करें। बाकी आप लोग क्या चाहते हैं बताइए। धन्यवाद।